तो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 15 के बारे में, जो साइंस सब्जेक्ट की और क्लास 6 तक की, ठीक है। आज की डेट क्या है, 27/8/2021। यहाँ पर बच्चों आपका अपना नेम या अपनी टीचर का नेम लिखना है। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले बच्चों आप सभी को एक बात बता दूँ कि इस मंडे से हमारे यहाँ एक कॉन्टेस्ट चालू है, जिसमें आप सभी को वीडियो को लाइक और कमेंट करना है, और जीतने वाले बच्चे को संडे को गिफ्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो संडे को क्या है, विनर का अनाउंसमेंट होगा थैंक्स वीडियो के अंदर। तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो का लिंक शेयर करो, ठीक है। बच्चों आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड में किसके बारे में बात करेंगे, डेफिशिएंसी डिसीजेस, यानी कि वो डिसीजेज जो क्या है, किसी चीज़ की कमी के कारण हो जाए उसके बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेज। अब वो चीज़ें की कमी क्या होगी, तो अब ये पूरा बात करते हैं इसके अंदर। तो देखिए क्या है, ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट इन सिंगल फूड, यानी एक फूड आइटम के अंदर सारे सब्सटेंस हमें मिल नहीं पाते हैं, जितने भी न्यूट्रिशंस हमें चाहिए होते हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ अ न्यूट्रिशन एक्वायर्ड कम्स व्हेन आवर बॉडी डज नॉट गेट अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। जब बहुत लंबे पीरियड तक क्या होता है, कोई न्यूट्रिशन हमें नहीं मिलता है, तो उसकी क्या हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर बच्चों डेफिशिएंसी हो जाती है। तो इफ़ द डेफिशिएंसी और फॉर वन और मोर न्यूट्रिशन इट रिजल्ट इन टू अ सर्वाइवल डिसीजेज एंड डिसऑर्डर्स, क्या होता है, जब किसी व्यक्ति के अंदर या किसी पर्सन के अंदर डेफिशिएंसी एक या उससे ज़्यादा चीज़ों की न्यूट्रिशंस की हो जाती है, तब उनके अंदर कोई ना कोई डिसीज़ फॉर्म हो जाती है। दैट डेफिशिएंसी डिसीज आर डिसीज विच कॉज बाय द लैक ऑफ न्यूट्रिशन। डेफिशिएंसी डिसीज एक किस प्रकार की डिसीज है, जो क्या होता है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से होती है, स्पेशली विटामिन मिनरल्स इन अवर बॉडी, और स्पेशली किस वजह से, विटामिन और मिनरल्स की वजह से। देखो यहाँ पर दिया गया ऐसा, यानी नंबर्स दिए गए हैं यहाँ पर, विटामिन और मिनरल्स के नेम है यहाँ पर, किससे होने वाली, उनकी कमी से होने वाली बीमारियों के नेम। जैसे विटामिन ए किस वजह से होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है, यानी कि आपको आंखों से जो है कलर नहीं दिखाई देते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट चीज़ें दिखाई देती हैं। विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, बेरी रोग हो जाता है हमारे अंदर, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, तो इससे हो जाता है सकरवी, ठीक है। विटामिन डी की कमी से रैकेट्स हो जाता है, कैल्शियम की कमी से बोन और टीथ में डिके चालू हो जाता है, यानी कि हड्डियां हमारी कमजोर हो जाती हैं और दांत सड़ने लग जाते हैं, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, तो आयोडीन की कमी से होता है गुट्टर, ठीक है। और आयरन की कमी से कौन सा हो जाता है बच्चों, तो आयरन की कमी से हो जाता है निमोनिया, ठीक है। तो आयरन की कमी से बच्चों निमोनिया नहीं, सॉरी वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया, ठीक है। उसकी कमी से हो जाता है अनीमिया नाम का रोग, क्या हो जाता है बच्चों, अनीमिया नाम का। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया, डेफिशिएंसी द फूड, ठीक है, डेफिशिएंसी द आइटम्स मिनरल्स हुज डेफिशिएंसी शोज, ठीक, गिवन सिम्टम्स एंड डिसीज ऑर्डर, ठीक है, डिसऑर्डर्स, यानी उन डेफिशियंसीज आइडेंटिटीफाई करना है हमें, क्या उन विटामिन को आइडेंटिटीफाई करना है जिनकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, कुछ सिम्टम्स हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, डिसीज और डिसऑर्डर्स हो जाती हैं, ठीक है। जैसे क्या है, ग्लैंड्स जो है हमारे नेक के, यानी कि गला सूज जाना, ये किसकी कमी से होता है बच्चों, तो ये याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है बच्चों, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे बोन्स हैं या टीथ हैं, ये वीक हो जाते हैं, ठीक है। ये किसकी कमी से होता है बच्चों, तो ये जो है हमारी कैल्शियम की कमी से हो जाता है। किसकी बच्चों, तो यहाँ लिख दोगे कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम की कमी से होता है, आप लिख दो कैल, ठीक है, सीएम। और अगर बच्चों आपको स्पेलिंग ना समझ में आए, तो देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, पहले में लिखना है आयोडीन, फर्स्ट में आयोडीन, सेकंड में कैल्शियम लिख देना, ठीक है। और थर्ड में देखो क्या बोला गया, कलर ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है आपको, तो कलर ब्लाइंडनेस होने का कारण है बच्चों ये वाला, ठीक है। तो यहाँ थर्ड में ये आंसर लिख देना, विटामिन ए, क्या लिख दोगे, विटामिन ए। और बच्चों इसके बाद आपका क्या है, ब्लड ब्लीडिंग, ठीक है, ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी कि दांतों से खून बहना, दांतों से खून बहने का कारण क्या होता है, तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी इसका आंसर हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर नंबर 4 हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं बच्चों क्या दिया गया, आगे बोला गया है सॉल्व द ब्लो जम्बल्ड वर्ल्ड इन टू आइडेंटिफाई द डिसीजेस डिसऑर्डर्स एंड कॉज्ड बाय द विटामिन एंड मिनरल्स डेफिशिएंसी, यानी आपको नीचे जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए, इनको सॉल्व करना है और लिखना है जो जो बीमारियाँ इनसे होती हैं, ठीक है। जैसे पहली क्या है, बेरीबेरी, क्या है बच्चों, बेरीबेरी, BERI, और फिर लिखोगे BERI, ठीक है, ये हो गया पहली बेरीबेरी। दूसरी क्या है बच्चों, दूसरी आपकी है, ठीक है, दूसरी आप लिख देना स्कर्वी है, ठीक है, तो इसको लिख देना। तीसरी क्या हो जाएगी, रैकेट्स हो जाएगी, तो आर
ठीक है, आप लिखो रैकेट्स की स्पेलिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये वाली तीसरे में लिख लो, ठीक है, रैकेट्स, ठीक है, क्या लिखोगे, रैकेट्स की स्पेलिंग, तो लिखो RICKETS, ठीक है, रैकेट्स हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्या दिया गया है, इसके बाद आपकी अगली जो है लास्ट वाली जो है वो कौन सी, अनीमिया है, ठीक है, ये देखो यहाँ पर स्पेलिंग लिखी हुई है, ठीक है, फोर्थ वाली आप अनीमिया लिख लो, ठीक है, लिखो मैं स्पेलिंग बता रहा हूँ ए, ठीक है, लिखो ए एन ई एम आई ए, ठीक है, अनीमिया, ठीक है बच्चों। तो आपकी ये वाली वर्कशीट क्या होती है, यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, धन्यवाद बच्चों। और याद रखिएगा अगर कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है तो वीडियो लाइक और जो है कमेंट जरूर करिएगा, धन्यवाद बच्चों।